तेज रफ्तार से पिकअप ने मारी महिला को ठोकर, हुई मौत। मधुबनी रेलवे स्टेशन के पार्किंग से बाइक लेकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा, जीआरपी के किया हवाले। 72 घंटे बाद भी नहीं मिली पुलिस द्वारा उठाई गई महिला, दोबारा भगा ले गया प्रेमी। हथियार से लैस अपराधियों ने सुनसान सड़क पर लूटी बाइक। खुटौना थाना क्षेत्र में अहले सुबह कुशमार गांव से गुजर रहे SH-51 को पार कर रही 55 वर्षीय महिला मुन्नी खातून को तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन ने इतनी जोरदार ठोकर मारी कि वह दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। महिला के माथे पर रखी टोकरी के झटके से पिकअप वैन की विंड स्क्रीन का शीशा टूट गया। इस घटना को देखते ही आसपास के लोगों ने पिकअप वैन को घेर लिया और उसके चालक को पकड़ लिया। आनंद फानन में गांव के लोग बुरी तरह घायल बेहोश महिला को उपचार हेतु घुटौना CSC लाए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे DMCH दरभंगा रेफर कर दिया, किंतु वहां पहुंचने से पहले ही महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की खबर पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के लिए जिम्मेदार पिकअप वैन की को कब्जे में लेकर तथा चालक, जिसकी पहचान बाबूबरी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर डलोखर के मोहम्मद मंसूर आलम को हिरासत में लेकर पुलिस खुटौना थाना ले गई। वहीं संबंध में मामला दर्ज किया गया है। उधर घटना से आक्रोशित लोगों ने SH-51 को कुशमार चौक पर जाम करने का प्रयास किया, किंतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा समझाने बुझाने पर इस पर अमल करते हुए इस पर रोक लगा दी गई। मृत महिला मुन्नी खातून का पति सुल्तान मंसूरी मुंबई में मजदूरी करता है और कुछ ही दिन पहले वह वहां गया है। उसे इस घटना की सूचना दे दी गई है। वहीं परिवार में कोहराम मच गया है। मार करके हमारे भाभी की जो है ठोकर मार दिया, हमारी भाभी ऊपर उछल गई, यानी शीशा भी गिर गई और उसके बाद फिर नीचे गिरी और फिर जो है घिसटते हुए दूर तक चली गई। इतने में जब तक उसको ले गए मृत्यु हुई। अस्पताल ले गए थे? हाँ, अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल से पहले वो वहाँ अस्पताल नहीं जा सकते। क्या नाम था उनका? मुन्नी खातून। उम्र क्या रहा होगा? तकरीबन 54-55। शोहर का नाम क्या? मोहम्मद सुल्तान। कितने बच्चे थे? 3 लड़कियां हैं, कुशमार बस्ती है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना खुटौना है। अब पुलिस वाले लिखला के ले गए, जब पोस्टमार्टम होने गया है। मुआवजा सरकार जो नियम है, मृत्यु होने के बाद क्या रकम देते हैं वो हमको मुआवजा चाहिए, ताकि जो इसके 3 बेटियां हैं उससे गुजर गुजर हो सके। अभी जो है गैर शादी शुदा है, तो क्या बिल्कुल आंख बंद कर गाड़ी चलाते हैं, अवामुन नास को लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। इसीलिए सरकार से निवेदन और गुजारिश है कि गाड़ी वालों को रोक लगाए, लगाम लगाए कि जब अपनी गाड़ी चलाए तो होश में चलाए, ताकि एक दूसरे को अवामुन नास को लोगों को तकलीफ न हो, लोगों को नुकसान न पहुंचे और ठोकर न लगे। ये सरकार इस बात पे जरूर। मधुबनी रेलवे स्टेशन के पार्किंग से बाइक लेकर भाग रहे युवक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। बताया जाता है कि शहर के गौशाला रोड निवासी MD जावेद आलम अपनी पत्नी को ट्रेन पकड़ाने के लिए बाइक से स्टेशन आए थे और बाइक को स्टैंड में रख दिया। इसके बाद एक पीले रंग का टी शर्ट पहने युवक ग्लैमर F1 बाइक लेकर भागने लगा, जिस पर स्टैंड चालक के पुत्र की नज़र पड़ते ही चिल्लाने पर मौजूद भीड़ ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया, जिसे GRP के हवाले कर दिया गया। GRP युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और हम जा रहे थे तो मेरी गाड़ी स्टैंड से जो है पहले लेके भाग रहे थे, स्टैंड वाले ने इसको पकड़ के रखे हुए थे। क्या मोहम्मद जावेद रहे थे। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से 112 की पुलिस द्वारा उठाकर लाई गई महिला 72 घंटे बाद भी नहीं मिली। परिजनों द्वारा महिला की खोजबीन जारी है। वहीं महिला को उसके प्रेमी की शिकायत पर 112 की पुलिस उसके घर से उठाकर थाना ले जा रही थी, लेकिन पुलिस ने महिला को थाना न ले जाकर उसे रास्ते में ही छोड़ दिया, जिससे महिला का प्रेमी उसे दोबारा भगा ले गया। महिला को इससे पहले भी उसका प्रेमी गया था, लेकिन परिजनों ने उसे स्वयं खोज कर घर ले आए थे। आरोप है कि महिला को उसके घर से उठाने के दौरान पुलिस ने महिला के पति और महिला की मां की पिटाई भी की, जिसका पूरा घटनाक्रम नजदीक के CCTV कैमरे में भी कैद हो गया है। बताया जाता है कि थाना के SI गुरुदेव नारायण कौथल ने 112 पुलिस वाहन पर सवार होकर महिला को उसके घर से उठाकर थाना ले जा रही थी, लेकिन
महिला को थाना नहीं ले गए और रास्ते में ही छोड़ दिया। यह भी आरोप है कि कार्रवाई के समय 112 पुलिस के साथ कोई भी महिला सिपाही नहीं थी। एसआई ने बताया कि महिला का वीडियो बयान लेकर उसे रास्ते में छोड़ दिया गया। वहीं थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि महिला की खोजबीन जारी है। मेरा बीवी था, 112 वाला आया, मेरा बीवी के लेकर चला गया। मैं उसको मना कर रहा था, तब पुलिस वाला मेरे को बहुत मारा, पीटा भी उधर भी, सब कुछ मेरे साथ किया उसने। मेरे को बोला थाना पाओ, थाना पर तुम्हारा आदमी मतलब फैसला कर लेना, पर थाना आदमी पहुँचा नहीं, अभी देखा ये लोग मतलब उसको रास्ते में समझा दिए मेरा बीवी को किसी मतलब उस्मान लोबर के साथ, राजी के साथ जो अपहरण कर लिया था उसी के हवाले कर दिया, उसका हवाले कर दिया थाना पर, लेकिन ये लोग अभी थाना पर नहीं ले, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो मुझे नहीं मालूम कहाँ ये लोग ने छोड़ दिया। थाने वाले 112 वाला में पता है, मुझे नहीं मालूम, पूरे 112 वाला मुझे मारपीट किया। अच्छा, घर पे? घर पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप राउत हुआ। की कॉलिंग कैमरा में के भाग भी है? अच्छा, हां की कॉलिंग। अच्छा, हां की बार लगा हम जमा के हमरा मारे छला तो हम जमा के दे पर सुते छलिया। लड़की के माय छी यहां? हां, लड़की के माय छी, हमरा जमा के मारे छला तो हम कछले हौरा जा हौ मार दे तो हौरा जा हौ, अब तो हम ओकरा दे पर हम सुते छलिया, तब उ की के लगा हमरो मार लगा, हमरो मार लगा ते मोट के उजरा डंटा निकाल लगा कथिगन वाला डंटा, आ वो लके मारे छला, बात कहला सब सत्य है। एम्हर तो हम तो खोज में लगले छी, अखन तो पता नहीं, रास्ते में छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया, पैसा लेके छोड़ देती है, वो चली गई कहीं। खुटौना थाना क्षेत्र अंतर्गत छर्रा पट्टी से सिसवार के बीच लौका जाने वाली सड़क पर रात 8:30 बजे हथियार से लैस एक बाइक पर सवार चार अपराधियों ने एक बाइक सवार को रोक उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी प्लेटिना बाइक जिसका रजिस्टर नंबर BR32AJ7633 को लूट लिया। इससे भी काम नहीं चला तो अपराधियों ने बाइक सवार के पास से 5000 तथा एक मोबाइल फोन को भी छीन लिया। बाइक सवार की पहचान लौका थाना क्षेत्र के बगमरिया निवासी आतिश कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित दरभंगा के किरतपुर प्रखंड से अपने घर बगमरिया जा रहा था कि घात लगाए अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं पीड़ित ने मामले को लेकर खुटौना थाना में अज्ञात अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज की।